जंगल के शातिर और खौफनाक जानवरों के बारे में तो हमने अक्सर बात की है, लेकिन कैनिन फैमिली से संबंध रखने वाले वॉल्व्स के बारे में हम बेहद कम बात करते हैं। झुंड में रहने वाले ग्रे वॉल्व्स सामाजिक प्राणी जरूर है, लेकिन जंगल की दुनिया में ये जीव मिलकर जब किसी शिकार के पीछे पड़ जाते हैं तो उसे मारकर ही दम लेते हैं। ग्रे वॉल्व्स क्रूर शिकारी हैं, लेकिन साथ ही साथ परिवारवादी भी हैं। ये अक्सर अपने परिवार के प्रति गहरा लगाव दिखाते हैं और उनकी रक्षा के लिए खुद को बलिदान भी कर सकते हैं। इन्हें आप असली फॉरेस्ट प्रीडेटर के रूप में देख सकते हैं, जो शिकारी के लिए बहुत खतरनाक हैं, लेकिन साथ ही साथ बेहद दिलचस्प भी। हिरन, मूस, हॉर्स, कुत्ते, बाइसन और यहाँ तक कि वोल्वरिन को अपना भोजन बनाने वाले ग्रे वॉल्व्स के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है जो इन जीवों को दिलचस्प बनाता है। चलिए आज इन फाइटर वॉल्व्स के बारे में कुछ ऐसी बातें जान लेते हैं जो शायद आपको भी पता ना हो। जरा इन प्यारे वॉल्व्स कब को देखें जिन्होंने अभी अभी जन्म लिया है। ग्रे वॉल्व के बच्चे जन्म से ही अंधे पैदा होते हैं, ऐसे में इनके सर्वाइवल का पूरा जिम्मा माँ पर आ जाता है। ग्रे वॉल्व एक ऐसी माँ होती है जिसे अपने बच्चों के प्रति एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है। बड़े होने पर माँ अपने बच्चों को जंगल में रहना और शिकार करना सिखाती है। माँ की ट्रेनिंग किसी भी कब के लिए बेहद जरूरी होती है, इसके बिना उसका जंगल में सर्वाइव करना और भेड़ियों के झुंड में खुद को साबित करना मुमकिन नहीं हो पाता। एक मादा अपने बच्चों को एनिमल किंगडम के सबसे होशियार और सफल आर्मी का हिस्सा बनने की ट्रेनिंग करती है। हम बात कर रहे हैं ग्रे वॉल्व्स के झुंड की। ग्रे वॉल्व्स एनिमल किंगडम के सबसे स्मार्ट शिकारी हैं। लंबाई में 160 सेंटीमीटर तक बढ़ने वाले वॉल्व्स का वजन अमूमन 40 से 50 केजी के बीच होता है, लेकिन कुछ भेड़ियों का वजन 90 किलोग्राम तक पाया जाता है। इन भेड़ियों से अगर इंसानों का सामना हो जाए तो उन पर हमला होना लाजमी है। ग्रे वॉल्व्स दुनिया के केवल छोटे से हिस्से तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जीव पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फैले हुए हैं। आप ये कह सकते हैं कि ह्यूमन हैबिटेट के बाद ग्रे वॉल्व्स धरती पर मौजूद दूसरे सबसे बड़े मैमल्स हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जीव एक बहुत बड़ा गोल्डन रूल फॉलो करते हैं। वो ये है कि ये खुद को किसी भी वातावरण में ढाल लेते हैं और कुछ भी खा लेते हैं। हालांकि आज इनके क्षेत्र में गिरावट देखी गई है, क्योंकि लोगों द्वारा हैवी हंटिंग के चलते इनकी तादाद में कमी आई है। देखा जाए तो वुल्फ एक ऐसे शिकारी हैं जिसे लेकर हमेशा से ही लोगों के दिल में डर रहा है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि भगवान ने इन जीव को ताकत, स्ट्रेटजी और शानदार हंटिंग स्किल से नवाजा है। ग्रे वुल्फ्स हार्श कंडीशन में भी जीना जानते हैं। डॉग फैमिली के इन मेंबर को नॉर्थ अमेरिका में लोग टिम्बर वुल्फ और व्हाइट वुल्फ के नाम से भी जानते हैं। नुकीले दांत के अलावा भेड़ियों के पास स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है, जिससे ये अपने शिकार को बेहद दूर से भी सूंघने की कला जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक भेड़िया 3 किलोमीटर दूर से भी अपने शिकार को सूंघ सकता है। भेड़िया के शरीर में उसकी नाक बहुत ही प्रमुख ऑर्गन है, जो इसकी हंटिंग स्किल्स का सबसे बड़ा हिस्सा है। एक वुल्फ अपने शिकार की तरफ बेहद तेजी से मूव करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रे वुल्फ्स के पंजे के नीचे पैड होते हैं, ऐसे में ये अपने पैरों को जमीन पर टच किए बिना ही पैड की मदद से वॉक कर सकते हैं। इनके पैरों में छोटी मेम्ब्रेन होती है जो सरफेस पर लोड रिड्यूस करने का काम करती है और इसी स्पीड के साथ दौड़ने की ताकत देती है। इसी फीचर के चलते वॉल्व्स बर्फ में काफी ताकत के साथ दौड़ पाते हैं। इसके अलावा वॉल्व्स के पंजे काफी हार्ड होते हैं, जो डेंस स्नो में भी आसानी से जमते नहीं है। इनके पंजों में कुछ खास ब्लड वेसल्स होती हैं, जो उन्हें हाइपोथर्मिया से बचाती है। देखा जाए तो भेड़िये के पास बड़े फर होते हैं, जो ठंडे के मौसम में उसे गर्माहट देने का काम करता है। एक भेड़िया बिना रुके कुछ घंटे तक दौड़ सकता है और 100 किलोमीटर तक का क्षेत्र पार कर सकता है। सुनने में ये काफी हैरान करने वाला लगता है ना? लेकिन इसी काबिलियत के चलते ये अपने शिकार का काफी देर तक पीछा करते हैं। अगर भेड़िये को भोजन नहीं मिलता तो वो काफी दूर तक निकल जाते हैं और इनका ये सर्च अभियान भोजन मिलने तक जारी रहता है। खैर, फुर्ती के साथ दौड़ पाने के अलावा वॉल्व्स के पास और भी कई फीचर होते हैं जो इन्हें हार्श कंडीशंस में एक परफेक्ट लाइफ जीने के काबिल बनाती है। ग्रे वॉल्व्स के पास काफी शार्प दांत होते हैं, जो शिकार पर हमला करने और उसे मारने में एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। ऐसे में शिकार का उनकी पकड़ से भाग पाना काफी मुश्किल हो जाता है। ये काफी दिलचस्प बात है कि भेड़िये शिकार करने के बाद अपने भोजन को चबाकर नहीं खाते, ऐसे में ये अपने एक मील में कम से कम 10 केजी मीट तक खा लेते हैं। इनके हंटिंग टैक्टिक की सबसे खतरनाक बात ये है कि भेड़िये हमेशा ग्रुप में रहना और शिकार करना पसंद करते हैं, इसीलिए आप भेड़िये को कभी भी अकेला नहीं पाएंगे। इनका पूरा झुंड हमेशा साथ रहता है। झुंड में रहने की वजह से इनके पास शिकार करने के लिए एक रणनीति होती है और ये उसी रणनीति पर काम करते हैं। भेड़िये दूसरे झुंड पर टूटने से पहले अपना टारगेट फिक्स करते हैं। एक भेड़िये का झुंड हिरन जैसे जानवर को अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है,
भेड़िए और हिरन में एक जैसा स्टेमिना पाया जाता है। ऐसे में इनके बीच होने वाली भागा दौड़ी का खेल काफी रोमांचक होता है। भेड़िए अपने शिकार को चारों ओर से घेर कर अलग करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो एक अकेला भेड़िया हिरन को पकड़ने और मारने में सक्षम होता है, लेकिन जब ये जीव पैक के रूप में शिकार करते हैं तो ये अक्सर हिरन, एल्क और मूस जैसे बड़े जानवरों को भी अपना शिकार बनाने की कोशिश करते हैं। अमूमन भेड़िए पक्षी, मछली, छिपकली और सांप जैसे छोटे मैमल्स को भी भोजन के रूप में खाते हैं। चलिए इन जीवों की कुछ बैटल ऑफ से आपको रूबरू कराते हैं। डॉग वर्सेस वुल्फ। रात के अंधेरे में ये सीसीटीवी फुटेज बताती है कि यहाँ भेड़िए का मकसद कुत्ते को उकसाना है और उसे घर से दूर ले जाना है, ताकि जैसे ही ये अपने इलाके से बाहर आए वैसे ही पूरा झुंड इस अकेले जीव पर टूट पड़े। और होता भी कुछ ऐसा ही है। ये जीव अपनी चाल में कामयाब हो जाते हैं। कुत्ता भागते हुए झुंड के पास पहुंच जाता है। आगे क्या होने वाला है इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल नहीं है। आप देख सकते हैं कि कैसे इन जीवों का झुंड कुत्ते पर झपट पड़ता है। ये उसे अपने साथ जंगल की ओर घसीट कर ले जाना चाहते हैं। ऐसे ही एक और क्लिप देखिए, जहां भेड़िया स्थिति पर अपना दबदबा दिखाते हुए कुत्ते पर अटैक करता है और उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। इससे पता चलता है कि ये जीव अक्सर कुत्तों को अपना निशाना बनाते हैं। बोर वर्सेस वुल्फ। भेड़िए का मुख्य शिकार बोर भी है। हालांकि आकार में ये जीव काफी खतरनाक होते हैं, लेकिन भेड़िए के झुंड के सामने अक्सर फीके पड़ जाते हैं। एक अकेले भेड़िए से लड़ना बोर के लिए आसान होता है और उससे जीतने की चांसेस भी ज्यादा होते हैं, लेकिन झुंड के खिलाफ इनकी काबिलियत कम हो जाती है, जैसा कि इस क्लिप में भी हो रहा है, जहां तीन भेड़िए मिलकर एक बोर को निशाना बनाते हैं और उसे शिकार बनाकर घसीटते हुए अपने घर की ओर ले चलते हैं। ऐसे ही एक और क्लिप देखिए, जहां पहाड़ी इलाके में भेड़िए बोर पर हमला करते हैं और उसे अपना शिकार बनाते हैं। डियर वर्सेस वुल्फ। भेड़िए का सबसे पसंदीदा शिकार हिरन को कहा जा सकता है। सर्दियों में भेड़ियों को अक्सर शिकार के लिए हिरन के पीछे दौड़ता हुआ देखा जाता है। सर्दियों में हिरन के पकड़ में आने के चांस भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि बर्फ में अक्सर उनकी रफ्तार धीमी पड़ जाती है। इस क्लिप में एक अकेला भेड़िया हिरन की तरफ दौड़ता हुआ उस पर झपट पड़ता है। दरअसल हिरन पूरी तरह बर्फ में धंस जाता है और यहाँ भेड़िए को शिकार करने का मौका मिल जाता है। धीरे धीरे भेड़िए के बाकी साथी भी अपने हिस्से के लिए मौके पर पहुंच जाते हैं। हिरन पर हमले की एक और क्लिप आपको दिखाते हैं। इस क्लिप में भेड़ियों का झुंड हिरन के झुंड पर हमला कर बैठा है और उनमें से किसी एक सदस्य को तंग करने में लगा है, लेकिन उन्हें अलग करना नामुमकिन है, क्योंकि हिरन की ये प्रजाति साथ रहने के लिए जानी जाती है। माउंटेन शिप वर्सेस वुल्फ। एक अच्छा भेड़िया वही होता है जो माउंटेन शिप के पूरे झुंड पर हमला कर सके। इस क्लिप में भेड़िए ढलान वाले पहाड़ों को फुर्ती से पार करके माउंटेन शिप के झुंड के काफी नजदीक पहुंच जाता है और अपने टारगेट को आड़े हाथे भी ले लेता है। बफेलो वर्सेस स्टेप बुल्स। स्टेप बुल्स काफी भारी भरकम जीव होते हैं जो बहुत ही खतरनाक होते हैं। भेड़िए जब कभी इन जीवों को अपना शिकार बनाने की सोचते हैं, तब तब उन्हें बहुत सारे सदस्य की जरूरत पड़ती है जो एक साथ इन जीवों पर टूट पड़ सकते हैं। इस क्लिप में 24 भेड़ियों का झुंड स्टेप बुल्स के झुंड पर हमला करते हैं और अपना टारगेट फिक्स करके उस पर टूट पड़ते हैं। स्टेप बुल आगे बढ़ते हुए खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ही एक साथी पीछे से बुल पर हमला करता है, जिसके बाद ये जीव आसानी से भेड़ियों की बलि चढ़ जाता है। खैर, ये तो रही भेड़ियों की हंटिंग स्किल्स। चलिए अब इनके झुंड से जुड़ी कुछ बातों पर भी नजर डालते हैं। ग्रे वुल्फ्स का झुंड केवल एक ग्रुप नहीं होता, बल्कि ये ग्रुप इन जीवों के लिए परिवार की तरह होता है। भेड़ियों के हर ग्रुप में 5 से 7 मेंबर होते हैं। कभी कभी इन मेंबर्स की संख्या थोड़ी ज्यादा भी हो जाती है। सबसे बड़ी बात है कि ये जीव काफी टेरिटोरियल होते हैं। ग्रुप में रहने की वजह से इनके बीच एक सोशल स्ट्रक्चर होता है, जो उन्हें शिकार करने में, अपने टेरिटरी की रक्षा करने में और कम्युनिकेट करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। झुंड के साथ एक भेड़ियों के रिश्ते काफी गहरे होते हैं। ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए हॉल का सहारा लेते हैं। इनके सोशल स्ट्रक्चर में सबसे नीचे जवान भेड़िया आते हैं, जिनकी उम्र 1 साल से कम होती है। सेकंड स्टेज में उन भेड़ियों को रखा जाता है जो उम्र में 1 साल के होते हैं, लेकिन इन दोनों ग्रुप को शिकार पर नहीं ले जाया जाता, बल्कि इन्हें छोटे भेड़ियों की रक्षा का काम सौंपा जाता है। 2 से 3 साल के भेड़ियों को तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण दर्जे पर रखा जाता है। ये वो भेड़िए होते हैं जिन्हें झुंड के बैकबोन के रूप में देखा जाता है। शिकार और रक्षा का सारा जिम्मा इन्हीं भेड़ियों के कंधे पर होता है। थर्ड स्टेज के भेड़िए ज्यादा होशियार और शिकार के मामले में ज्यादा स्किल्ड होते हैं। ये किसी भी शिकारी पर भारी पड़ सकते हैं और भोजन को पकड़ने के लिए अलग अलग रणनीति पर काम करते हैं। इनके शिकार में हमें शानदार टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं सबसे हाईएस्ट लेवल की, जिस पर एक डोमिनेंट भेड़िए के जोड़े को बैठाया जाता है। ये जोड़े झुंड के सभी भेड़ियों के माँ बाप होते हैं और कई जनरेशन तक अपने झुंड पर शासन करते हैं। परिवार में इस जोड़े को सबसे ज्यादा मान सम्मान दिया जाता है।
यहाँ तक कि शिकार करने के बाद उच्चतम रैंकिंग वाले भेड़िये पहले शिकार का लुत्फ उठाते हैं। भेड़ियों की पैक की खास बात होती है कि कुछ समय बाद डोमिनेंट हेड अपना पद किसी और भेड़िये को सौंप देता है जो ग्रुप में सबसे ताकतवर होता है और आगे यही ग्रुप झुंड को लीड करने का काम करता है। तो दोस्तों ये थे वुल्फ्स के सबसे दिलचस्प फीचर जो उन्हें एनिमल किंगडम के बाकी मैमल से काफी अनोखा और ताकतवर बनाते हैं। आपको ये जानवर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।